अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स, डल पार्टिसिपेशन, एक हम कह सकते हैं रेंज बाउंड बिहेवियर, कल की जो सिचुएशन थी उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए आज के दिन मार्केट दिखाई दी। इट मींस के यहां पे सेंटिमेंट्स मार्केट के अंदर जो कि एक अपॉर्चुनिटी ग्रैप करते हुए दिखाई दे रहे थे, आज के दिन कुछ रेंज बाउंड देखी गई है। और अगर आप मार्केट स्टैटिस्टिक्स देखें तो काफ़ी एक फ्लक्चुएशन या हम कह सकते हैं वॉलेटैलिटी दिखाई दे रही है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द डे अच्छी चेंजेस देखी गई थी, इंट्राडे हाई अच्छा देखा गया था, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट में फर्दर गिरावट देखी गई और फाइनली एक रिकवरी या एक रेंज बाउंड सिचुएशन पे मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर करके दोबारा उन्हीं लेवल्स पे क्लोजर किया। तो क्या रीजंस हैं, क्या सिचुएशन है, मजीद प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज बताते चले, जो न्यूज है, जो कि स्टैटिस्टिक्स हैं, नंबर्स हैं, वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिसकी वजह से अगर चीजें डाउनवर्ड जाती भी हैं तो वापस अपने जो एक हमारा कह सकते हैं जो एक प्लेटफॉर्म है उस पर वापस आती हुई दिखाई भी देती हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रही मार्केट की। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 43,853.49 के लेवल पर, हायर साइड पर मार्केट की 44,139.22। हम देख सकते हैं 44,000 का लेवल इंट्राडे हाई में देखा गया, लोअर वाज 43,653.06 एंड फाइनली क्लोजर 43,846.87, यानी कि एक फ्लैट नोट मार्केट का क्लोजर दिखाई देता है, 6.62 का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली 233.17 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं, कल के मुकाबले में गेंस देखे गए हैं 3.86 मिलियन शेयर्स के एंड वैल्यू 7 बिलियन रुपीज देखी गई है आज के दिन। वॉल्यूम डिटेल्स में ओनली वन स्क्रिपिंग इन रेड टेरिटरी, हैस्कॉल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.65 के इजाफे के साथ, 6.70 पे क्लोजर, 57.47 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टेलीकार्ड सेकंड स्कॉट पे, टेलीकार्ड के अंदर एक न्यूज भी है, ये अपना नेम चेंज कर रहे हैं तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज बनकर सामने आई है, 0.87 का इजाफा, 15.57 पे क्लोजर, 21.82 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली ट्रीट 0.32 का डिक्लाइन, 41.45 पे क्लोजर, 11.11 का कारोबार रहा। अगर आपको याद हो कल भी यही तीनों स्क्रिप्ट तकरीबन थे, दो स्क्रिप्ट सेम थे जिसमें से लास्ट स्क्रिप्ट के अंदर कल पॉजिटिविटी थी, आज वही जो है वो सेल आउट करते हुए दिखाई दे रही है चीजें। इट मींस के यहां पे पेनी स्टॉक्स के अंदर ही काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट के नंबर्स के हवाले से, क्योंकि एक्सपोर्ट के नंबर्स इंक्रीज होते हैं, इंपोर्ट कटेल होती है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक सक्सेस मार्केट के अंदर, ऑलरेडी इकोनॉमिक नंबर्स के अंदर पॉजिटिविटी आने लगती है। और इसके साथ साथ जो जीडीपी ग्रोथ के हवाले से बात हो रही है 5% के ऊपर वही स्टक नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन और यही एक जो टग ऑफ वॉर चल रही है आज के दिन हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में वी हैव एक्सक्लूसिव गेस्ट, उनको खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं परवेज मद्रास वाला साहब, आप इंडस्ट्रियल हैं और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिजनेस फोरम के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवाज अहमद साहब, आप इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद नवाज साहब, वेलकम टू द शो। चलें जी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले हम रिपोर्ट देखें, फिर वापस आते हैं, फिर डिस्कशन को, गुफ्तगू को आगाज करते हैं। And let's not add the burden onto women. In fact, the burden should be shifted the other way around. So what I'm saying to you today is that women have to stand up and assert their own rights that they have. They need to be aggressive in standing up for themselves. If we are going to simply rely on others to protect us, then I'm afraid we become vulnerable. We are strong, women have always been strong. After all, we are mothers, we bring up our children, and we set the norms for our children. If in a home, the mother is seen as preferring the male child, ke khana pehle ladke ko do, ladke ko khuli azadi do, ladki ko khana bhi baad mein do, school se jaane se rok do. These are habits, these are social norms your children will absorb. Then they will carry it forward when they grow up. So we are not only strong, we have to be strong to raise children in a way that they think for themselves, where our young daughters don't feel that they're weaker than their brothers. So it is, women have a double responsibility to society. One,
to fight for their own rights and assert themselves. But the other responsibility is that they give the right upbringing to their children, where the girl child is given the same respect and dignity that the boy child is given. That is one of our main problems. And I think, therefore, everyone sitting here can make a difference, and I hope that you will make a difference. And I'm very glad that the NCSW has a strong woman at its head, because I know that you are going to be making a difference. And thank you once again, and my apologies, but I cannot be late for a meeting that I'm supposed to chair. So I'll have to say khuda hafiz. Thank you. Just accept this little token of. वफाकी वज़ीर डॉक्टर शेर मिसारे इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि ख़वातीन का मुआशरे में इंतहाई अहम किरदार है। ख़वातीन को उनके हुकूक मिलने चाहिए और ख़वातीन को अपने इन हुकूक के लिए खुद ही खड़े होना होगा। ख़वातीन पर मुआशरे के हवाले से दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है। पहली ये कि उन्हें अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठानी है, और दूसरी ये कि आने वाली नस्लों की अच्छी तरबियत करके उन्हें एक अच्छा शहरी बनाना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। KASBK ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका कहीं भी कभी भी। KASBK ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। स्लो डाउन हो गए हैं। अब जाहिर बात है कि गवर्नमेंट के पास जो 5 साल का जो अरसा है उसी के अंदर ही उनको करना है, मगर इसके लॉन्ग टर्म फायदे हैं। सर, 5 साल का अरसा है, यू आर राइट, लेकिन अब की बार पॉलिसीज के ऊपर इतनी कंसिस्टेंसी देखी जा रही है जो कि पहले कभी नहीं देखी गई। यानी कि कंसिस्टेंसी इटसेल्फ के कोविड के दिनों से जो चीजें चली आ रही हैं वो अब तक कंटिन्यू हैं। जैसे कि आपने टर्फ फाइनेंसिंग का जिक्र किया, टर्फ फाइनेंसिंग के अंदर हमने देखा था कि मशीनरी इम्पोर्ट हो रही थी और उसके अभी बहुत कम नतज आए हैं जो कि फर्दर अभी हमें उसके इम्पैक्ट दिखने हैं। तो आप समझते हैं कि जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेके मेजर्स दिए गए और फॉरन गो थ्रू उसका जो एक इम्पैक्ट है वो पब्लिक ऊपर आया। देखिए, वो कोविड के दौरान जो इनकी जो डिस्टर्ब हुआ ना मामला, वो तो चले हो गया, क्योंकि अब दूसरे उसके अंदर एक इश्यूज आ गए थे, दूसरे चैलेंजेस आ गए थे कोविड के दौरान। तो गवर्नमेंट ने उन चैलेंजेस को पहले तो उनको फेस किया, ठीक है ना, फिर इसके बाद जो लॉकडाउन हुए वो भी उन्होंने फेस किया, फिर इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री को उन्होंने मजीद फाइनेंस दिया जस्ट टू पे द सैलरीज टू देयर स्टाफ। ये भी एक गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप था। अब आप सोचेंगे पाकिस्तान जैसे कंट्री ने इंडस्ट्रियलिस्ट को सैलरी देने के लिए लोअर इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंसिंग की, एंड यू कैन पे एट ए लेटर स्टेज। दिस इज द रीजन आज पाकिस्तान की जो एक इकोनॉमिक कंडीशन है, या हम कह सकते हैं जो कि स्टेबल दिखाई देती है पूरी दुनिया के मुकाबले में, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज है। सर, मैं इंट्रोडक्टरी कमेंट नवाज साहब से भी लेना चाहूंगी। सर, आपने सुना जो कि परवेज साहब ने कहा कि कोविड के स्टार्ट में ही कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स दिए गए जिसका इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव अभी तक दिखाई दे रहा है। सर, इसके साथ साथ रुपी डॉलर पैरिटी अभी भी दिखाई दे रही है, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो हाथों से निकलती हैं। चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, फिर उसको कंट्रोल किया जाता है, फिर एकदम से सामने आ जाते हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें कोई सजेशंस होंगी? थैंक यू। देखिए, मद्रास वाले साहब ने जो बात बताई, मैं उसी को कंटिन्यूएशन में लेके चलूँगा कि जो कामयाब जवान स्कीम है उसके थ्रू जो ख़ासतौर पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनको जो आसान शराइत के ऊपर कर्जे दिए जा रहे हैं टू सेट अप देयर ओन बिजनेसेस। तो देखें, अगर मैं इसको थोड़ा कनेक्ट करूं ग्रामीण बैंक की जो माइक्रो फाइनेंसिंग थी, और बड़ा सक्सेसफुल स्टोरी रही है वो अक्रॉस द ग्लोब, डॉक्टर यूनुस खालिद की जो बांग्लादेश में उन्होंने किया, उन्हीं स्टेप्स के ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये इनिशिएटिव लिया है और काफ़ी आसान उसके ऊपर। अच्छा, देखिए, वो कहते हैं ना कि एक दिस इज़ द हाई टाइम फॉर एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़, कि छोटे छोटे सेटअप्स, मतलब जो SMEs हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट किया जाए और लोगों को उस बात पे मोटिवेट किया जाए।
लॉन्ग बैक मैंने एक स्टडी की थी जिसमें हमने एक एंटरप्रेन्योरल इंटेंशन गेज किया था स्टूडेंट्स का, जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स थे, तो उस पर तकरीबन हमारे पास जो उसकी स्टेटिस्टिक्स आई थी वो कुछ 68% के करीब आई थी कि स्टूडेंट्स आर इंटेंडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन कि यार वो कुछ अपना काम शुरू करें। उससे क्या होता है कि बजाय जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होता है कि जॉब सीख करे, वो जॉब गिवर बनेगा। तो उससे क्या होगा कि जो कि आप जॉब ढूंढना शुरू कर दें, आप जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं आपको फिक्र लग जाती है किस जगह पे मुझे जहाँ जाना है, वो कैसी कंपनी होनी चाहिए, कैसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। अगर उनका अपना ही कारोबार होगा तो ऑब्वियसली वो जॉब गिवर बनेंगे। यू आर वेरी राइट। एग्जैक्टली। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग एक दफ़ा हुआ, मैं IBA में उनकी कुछ एक मीटिंग थी, मैं इत्तेफाक से डॉक्टर शाहिद साहब से मिलने गया था, वो लुकिंग आफ्टर द एंटरप्रेन्योर एक्सीलेंस सेंटर। तो वहाँ पे एक डिस्कशन चल रही थी रिगार्डिंग करिकुलम। सो दे वांट टू इनकॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कोर्स, कि जी एंटरप्रेन्योरशिप और उससे अलाइड कोर्सेज। तो डिस्कशन ये हो रही थी कि जी वो किस सेमेस्टर में हम अंडर ग्रेड में ऑफर करें, तो डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे थे। अच्छा, मैं चूंकि वो गेस्ट वहाँ पे गया था उस मीटिंग में, एज सच मेरा कोई रोल भी नहीं था, बट इवन देन ही आस्क मी कि जी आप क्या कहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप शुरू के सेमेस्टर्स में करें, बिकॉज जब ये शुरू के सेमेस्टर में वो सारी चीज़ें कर लेंगे और वहाँ से वो एक स्टार्टअप ले लेंगे। देखें, जब बच्चा ग्रेजुएट होता है ना, तो घर वालों की भी कोई एज सच उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, एटलीस्ट फॉर सर्टन टाइम पीरियड। वो कहते अच्छा ठीक है यार, आपको अपना कैपिटल भी लगाना पड़ता है। थोड़ी सी हमारी जो डिस्कशन है वो फ्रेश ग्रेजुएट अच्छा, ये जो लोन्स की जो फैसिलिटी है अपने बिजनेसेस स्टार्टअप्स के लिए, सो दिस इज द आई थिंक द राइट डायरेक्शन, कि जो उन ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स की नीड, जो कैपिटल की नीड है, उसको पूरा कर सकता है। वो अपनी फिजिबिलिटी बनाए, जाहिर बात है पूरा एक प्रॉपर उसका सेटअप है, उसमें प्रेजेंट करें अपनी फिजिबिलिटीज को, एंड इफ दे क्वालिफाई तो सर्टेनली पॉइंट टेकन। परवेज साहब, ये दिखाई देता है कि जब SMEs की बात की अहमद साहब ने, उन्होंने ये कहा कि SMEs जो होती हैं वो एक्चुअली उसको प्रमोट करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहिए। और हमारे मुआशरे में अब ये देखा जा रहा है कि SMEs तो बैकबोन की तरह दिखाई दे रही है, क्योंकि कोविड के अंदर यही हमने एक सबक पढ़ा है कि जब तक SMEs चलती रहेंगी, जब तक सनती पहिया चलता रहेगा, चाहे छोटे छोटे कारखाने क्यों ना हो, काम होता रहेगा। तो अब जबकि SMEs का एक दौर दिखाई देता है, तो हमारी जो लोकल डिमांड्स होती हैं उसके लिए हमें इतनी इंपोर्ट क्यों करना पड़ती है? अब लोकल डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास इतनी एक फुल बास्केट क्यों नहीं मैनेज हो जाती? देखिए, पहले तो एक जो आपने इनसे सवाल पूछा था पहला, जो उसका डॉलर का पैरिटी और ये वो ना, देखें जब तक हमारे उस पर इम्पोर्ट का पे प्रेशर होगा ना, और इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा होगा ना और एक्सपोर्ट हमारा कम होगा ना, तो हमारा डॉलर जो है ना इसी तरह से रहेगा। फिलहाल जैसे आप कह रही हैं ना कि SME की, SME को प्रमोट करने के लिए ही गवर्नमेंट ने जो है ना ये स्कीमें निकाली हैं। कामयाब नौजवान स्कीम है जिसमें उनको लोन दे रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपना छोटा कारोबार शुरू करें। right. फिर इसके बाद जो है ना हम लोन दे रहे हैं जो मशीन्स के ऊपर, जो टर्फ की लोन है, इसमें जो ज़्यादातर फोकस किया गया था ना वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं, वो छोटे इंडस्ट्रीज को ही उन्होंने फोकस किया था ताकि छोटे इंडस्ट्रीज जो है ना आपको जो है ना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं। दूसरा हमारा जो है ना सबसे बड़ा एजेंडा है ना वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा, इम्पोर्ट में जैसे अभी आपने सवाल पूछा ना कि क्यों हम हमेशा इम्पोर्ट करते रहते हैं और क्यों हमारे पास ये हम उसको करते लोकल डिमांड को क्यों नहीं फुलफिल कर पाते। देखिए, जब तक हमारा इंडस्ट्रियल बेस मजबूत नहीं होगा, हमारे पास इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री नहीं होगी। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट जो हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है सबसे पहले, तो
हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, हमारे पास, हम आज तक जो है ना ऑस्ट्रेलिया का, मैं बता रहा हूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया बिजनेस फोरम का, हम 1 मिलियन टन तो हम चना मंगाते हैं ऑस्ट्रेलिया से। क्यों मंगाते हैं? कि भाई हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होने के बावजूद भी हम चना बाहर से मंगाते हैं, पल्सेस बाहर से मंगाते हैं, आज शुगर बाहर से मंगाने की भी बातें हो रही हैं। तो बात दरअसल ये कि ये क्यों होता है, इसलिए होता है कि हमने उस डायरेक्शन में सही कभी काम ही नहीं किया। इस गवर्नमेंट ने आके ना, देखें ये कोई ऐसा मैजिक स्टिक नहीं है किसी के पास, मेरे पास भी, मैं भी अपना कारोबार करता हूँ तो एक दिन में या एक हफ्ते में चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, उसके अंदर मुझे टाइम लगता है, मैं प्लानिंग करता हूँ, एक साल के बाद फंड्स अरेंज करने होते हैं एंड देन आई स्टार्ट मेकिंग सम चेंजेस, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने भी क्या किया है कि सारे उन्होंने अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना उसके सबको उन्होंने टास्क दिए हुए हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को टास्क दिया हुआ है, सबको उन्होंने टास्क दे के ये बोला हुआ है कि भाई हाउ वी कैन हैव इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री, और हम हमारे मुल्क में ये चीज़ें क्यों नहीं बना सकते। अब देखें ड्यूरिंग कोविड और जब से गवर्नमेंट ने वो आरडीज लगाई ना, जो बाहर से जो लग्जरी आइटम आ रही थी ना, हमारे पास चीज़ बनना भी शुरू हो गई। भाई देखें ना कि भाई 6 महीने में आपको 4-6 ब्रांड नजर आ गए शुरू हो गए और आपको शेल्फों पे चीज़ भी मिल रही है, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सब्स्टिट्यूट्स होंगे और उसकी प्राइस भी कम होगी तो लोग ट्राई तो करेंगे। सॉसेस जो है जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो सॉस आपको यहाँ सारे मिलने शुरू हो गए। अब आप किसी वक्त जाएं, आप पॉपकॉर्न जाएं, आपको लोकल ब्रांड मिल जाएंगे। देखिए ये चीजें जो होती है ना, ये आस्ते आस्ते एक विल होती है। देखिए किसी गवर्नमेंट ने कोशिश की कि किसी गवर्नमेंट में चलो जैसे चलता है चलने दो, ठीक है ना, ना उन्होंने देखा ना उन्होंने उसको फोकस किया उस इंडस्ट्री को। अब इस गवर्नमेंट ने ये भी फोकस किया है कि एग्रीकल्चर यील्ड कैसे बढ़ानी है, हमारे जो फार्मर्स हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाना है, हमें उसको किस तरीके से खाद देनी है, उनको फैसिलिटी देनी है, उनको ट्रैक्टर देने ताकि उनकी यील्ड बढ़े और उनकी परफॉर्मेंस बढ़े। और जो हम आइटम्स बाहर से मंगा रहे हैं, जो हम पल्सेस बाहर से मंगा रहे हैं, जो अनाज हम बाहर से मंगा रहे हैं, हम यहीं से ग्रो करना शुरू कर दें। देखें हमारे डैम्स बन रहे हैं, पानी के रिजर्वायर्स बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्यों बन रही हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कैपेसिटी। और हो सकता है फौरी तौर पे हमें इसके नतीजे ना दिखाई दिए लेकिन थोड़ी देर बाद, कुछ सालों बाद इसके अच्छे जो एक रिजल्ट्स हैं वो जरूर नजर आएंगे। डैम 2 साल में तो नहीं बन जाता है। बिल्कुल, तो ये है कि जब भी वो चीजें तैयार होंगी, जब भी वो सारी जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है वो मैच्योर होंगी ना, तो उसके फायदे अल्टीमेटली छोटे कारोबारियों को, गरीबों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ये सारी अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद आप देखेंगे कि भाई डॉलर भी सही होना शुरू हो जाए, क्योंकि हमने इम्पोर्ट कम करना शुरू कर दिया, हमारी इंडस्ट्रियल बेस बढ़ गया, हमने एक्सपोर्ट ज्यादा करना शुरू कर दिया। लेकिन लोग शोर मचाने लगते हैं जब चीजें हाथों से थोड़ी सी भी निकलने लगती हैं, तो लोग चीखने लगते हैं। और बीइंग अ गवर्नमेंट, आपके पास एक टाइम होता है जब आप अनपॉपुलर डिसीजंस लेते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपको अनपॉपुलर डिसीजन से गुरेज करना चाहिए, और ये टाइम ऐसा नहीं दिखाई देता। देखिए जो भी कड़वा एक होता है ना, जब आपको बीमारी होती है ना, जो बहुत सारी बीमारी होती है ना, हमारे घर में बच्चे हैं ना, जब उनको खांसी भी होती है दवाई पिलाते हैं कड़वी दवाई, तो बहुत नखरे करते हैं या उनको सही। तो देखिए ये कड़वी गोली या कड़वी दवाई है ना, एक वक्त में गवर्नमेंट को डिसीजन लेने पड़ेंगे। देखें हर कंट्री ने जब इस किस्म का सफर तय किया होता है ना, किसी भी कंट्री की आप मिसाल ले लें, आप बांग्लादेश की मिसाल लेती हैं, तो बांग्लादेश में जैसे अभी इन्होंने ग्रीमेन बैंक का कहा यूनुस साहब का, तो उस वक्त बांग्लादेश ने भी कड़वी गोली पी है, उनके लोगों ने भी इस किस्म की चीज़ों को सफ़र किया है, उनके साथ ये सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं, हम तो आज गुजर रहे हैं। बात दरअसल ये कि हमें बहुत जल्दी लग्जरी मिल गई है और हम उस लग्जरी को छोड़ना नहीं चाहते, सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, हम कोई लग्जरी को सेक्रीफाइस करने की हमारी आदत नहीं रही। हम चाहते हैं कि भाई जब चीज़ें आसानी से मिल रही हैं ना तो मिलती जाएँ। इंडिया में आप चले जाएं तो आपको बाहर के ब्रांड आपको इतने सारे नहीं मिलेंगे, आपको लोकल ब्रांड उनके ज़्यादा हैं, उनके हर चीज़ के अपने ब्रांड हैं। तो बात दरअसल ये है कि ये सारी चीज़ें करने के लिए कड़वी गोली खानी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा मुंह कड़वा लगेगा, आपको इसमें लोगों को परेशान होंगे, क्योंकि जाहिर बात है कि हर आदमी की अपनी परेशानी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि यार वो क्यों परेशान है, उनको परेशान नहीं होना चाहिए, हम उसके घर में जाके नहीं देख रहे क्योंकि परेशानी क्या है। आजकल देखें ना कि हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है, मगर बात दरअसल ये कि देखें उसके लिए आपको थोड़ा गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा,
वेट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें मैच्योर होने का टाइम लगेगा। सर, एक्सपोर्ट बढ़ाना भी तो हमारे लिए एक सोल्यूशन है ना, सबसे जो बेटर सोल्यूशन है और सबसे फास्ट और इंस्टेंट सोल्यूशन है वो ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाए किसी ना किसी तरीके से, जैसे कि बर्ड ही है डिफरेंट सेक्टर्स में, जिसमें टेक्सटाइल है, आईटी है, ये तो टू ऑफ दो सेक्टर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा फ्लरिश करते हुए दिखाई दे रहे। तो आप समझते हैं दिस इज दी ओनली सोल्यूशन जो इंस्टेंट सोल्यूशन होगा, जिससे किसी का मुंह भी कड़वा नहीं होगा और काम भी हो जाएगा हमारा? देखें, एक्सपोर्ट आप पिछले जो साल है ना उनसे आप कंपेयर कर लें कि इस साल में एक्सपोर्ट जो है ना उसने रिकॉर्ड उसने तोड़ा है। टेक्सटाइल का देखें तो एक्सपोर्ट बढ़ा है, दूसरे आप चीज़ों का देखें और ओवरऑल देखें ना तो टारगेट ये है कि 30 बिलियन। रजाक दाऊद साहब ने अपना तो प्रॉमिस पूरा कर दिया गवर्नमेंट से कि भाई मैं इतना टारगेट कर दूंगा, तो बहुत अच्छी बात है कि देखो तब टारगेट ओरिएंटेड हो गए हैं, हर डिपार्टमेंट हर मिनिस्ट्री अब टारगेट ओरिएंटेड हो गई है, उनको पता है कि हमारा क्या टारगेट है, हमें क्या अचीव करना है। इसी तरह से बिजनेस चलता है, प्रोफेसर साहब को पूछ लें कि जब आप पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में तो आप यही कहते हैं कि हमें गोल अचीव करना है। तो अगर आपकी मिनिस्ट्री टारगेट ओरिएंटेड हो जाए और गोल अचीव करें और हमारी इंडस्ट्री जो लोकल अभी इंडस्ट्री, देखें सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास अभी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी का मतलब है कि इंडस्ट्री में मशीनें उस किस्म की नहीं है, हमारी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री इतनी ज्यादा नहीं है। इंडस्ट्रीज को लीनियंसी देने के लिए टर्फ फाइनेंसिंग दी गई, यही मराद दी जा सकती है। आप कोई कहे कि पूरे इंसेंटिव्स या पूरी सब्सिडाइज कर दी जाए तो सर ये तो फिर और वो भी गवर्नमेंट दे रही होगी, वो भी दे रही है। चलिए मैं प्रोफेसर साहब से जो है वो टेक ले लूं। प्रोफेसर साहब, जैसे कि परवेश साहब ने ये जिक्र किया कि जो चीजें हैं कड़वी गोली है वो लेना पड़ेगी इंस्टेंट डिसीजंस लेने के लिए, इंस्टेंट हमें चीजें लेने के लिए कुछ ऐसे अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन आप समझते हैं कि ऑलरेडी हमने बहुत सारे अभी इंस्टेंट डिसीजंस ले लिए हैं जिसमें नेगेटिविटी थोड़ी आ गई, उसे कर्टेल किया गया, जैसे कोविड आया तो ऐसे मेजर्स दिए गए, जैसे रुपी अगर डिप्रिशिएट हो रहा था तो उस वक्त मेजर्स लिए गए, पॉलिसी रेट को अब बढ़ाया जा रहा है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, ऐसे डिसीजन तो ऑलरेडी लिए जा रहे हैं। देखिए, पॉलिसी रेट इन्फ्लेट नॉट द मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, then what is the solution? ठीक है, पॉलिसी रेट बढ़ने से we तो are मैं here to identify the solution. हाँ, लेकिन मैं to... बहरहाल उससे थोड़ा सा वो नहीं करूँगा, बिकॉज पॉलिसी रेट बढ़ाने से तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है ना, उससे अगर आप लेट से अगर इंडस्ट्री को लोन्स देते हैं तो वो उनको महंगे पड़ेंगे, हमारे एक्सटर्नल डेट्स हैं वो बर्डन बढ़ जाएगा उसके ऊपर। अच्छा, बात जो हो रही थी ना कैपेसिटी की, तो मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि हमें कैपेसिटी इन्हांस करना है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी और उसके साथ साथ जो है वो विद रेफरेंस टू कॉम्पिटेंस उसकी कैपेसिटी को भी जो है ना इन्हांस करना है हमने। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, अब अगर वो पुराने तरीके इस्तेमाल करते हैं, जो नए तरीके अगर उसके ऊपर उनको बाकायदा प्रॉपर गाइड किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। अभी मैं ब्रेकअप देख रहा था इम्पोर्ट्स का, तो उसमें कॉटन का अच्छा खासा चंक था, लास्ट ईयर के इम्पोर्ट में कॉटन अच्छा खासा चंक हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसकी प्रोडक्शन देखी गई है, डबल हो गई है प्रोडक्शन कॉटन की। जी बिल्कुल, वो ऐसे ही होता है कि एक टाइम पे जब थोड़ा सा इशू आता है तो सब लोग फिर उस तरफ चल पड़ते हैं कि यार चूंकि उसको उनकी प्राइस अच्छी मिल जाती है, तो अगेन थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत है इसमें, पैरेलल रखने की जरूरत है चीजों को। दूसरा जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हवाले से, तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हम देखें ना बड़े बड़े टैंक तो बना लेते हैं, जहाज बना लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी 800 सीसी की कार जो है ना वो हम पूरी नहीं बनाते, उसकी असेंबलिंग होती है, कुछ हम बनाते हैं कुछ बाहर से करके उसकी असेंबलिंग करते हैं। सो आई बिलीव इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज, हमें थोड़ी सी प्रायोरिटीज सेट करनी होगी इस तरफ, तो ही ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाला मसला हल हो सकता है। अच्छा। और जहाँ तक बात रही पैरिटी रेशो की, तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन ही पैरिटी रेशो को बेहतर करेगा, क्योंकि जब हम इम्पोर्ट्स कर रहे हैं, एक तो देखें नेसेसिटीज हो गई, एक है जो मतलब अननेसेसरीली जो हम एक लग्जरी आइटम्स को, मसलन यार अगर मैं 8-10 हज़ार की घड़ी से भी काम चलता है, तो अगर मैं 8-10 लाख की घड़ी पहनूँ तो टाइम तो वही बताएगा मुझे, मतलब वक्त वही बताएगा।
अच्छा सर, इन्होंने कहा कि परवेज साहब ने कि हमें जो है टारगेट्स अचीव करने की ज़रूरत है, हमें टारगेट्स हमें दिए जाएं ताकि हम चीज़ों को थोड़ा सा यू नो एक टाइमली हम उसको टैकल करें तो फिर हमें पता चले भाई हमने टारगेट अचीव कर लिया। तो जो हमारे एम्बेसडर्स हैं वो इकोनॉमिक एम्बेसडर्स बन जाएं और वो अपनी जो चीज़ें हैं उनको अगर एक्सपोर्ट करने के लिए थोड़ी सी मार्केट सीक करने के लिए अगर मदद करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो कि अब हो भी रहा है। मतलब इस सिलसिले में देखिए जी, मैं हाजिर हूँ बिल्कुल इस हवाले से कि उनको एम्बेसडर बनाने के लिए, उनके साथ टॉक्स करने के लिए, उनके साथ एक पूरा एक स्कीम बनाने के लिए एक टारगेटेड हम जो है एक टाइम टेबल बना सकते हैं। तो उस सिलसिले में मैं, मेरी जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब वी आर वेरी मच हियर एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प इट आउट। राइट, बिकॉज हम पहले भी इंडस्ट्री के साथ जो है हम डिफरेंट ये प्रोजेक्ट्स करते रहे हैं, उनको मार्केट्स एक्सप्लोर करवा के दी हमने, और उससे यू नो दो एडवांटेजेस हुए। एक तो एक ये जो जनरली कहा जाता है ना कि एकेडमी और इंडस्ट्री में गैप है थोड़ा सा, तो एक वो ओवरकम हो जाता है। कुछ हैं और सामने जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो वो बिल्कुल ही अलग से चीज़ होती है। और सेम गोज विद आईटी सेक्टर, क्योंकि अभी जब भी हम ये डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं तो उनकी यही वो पॉइंट आउट करते हैं कि जो आपके पास एकेडमी में कुछ पढ़ाया जाता है तो वो डिफरेंट होता है एकेडमिक एजुकेशन, और जो एक प्रैक्टिकल लाइफ में या एक रियल जब आप बिजनेस में आते हैं तो उसमें उनसे अगर 3000 ग्रेजुएट हैं तो उसमें से 400 ही काम के होते हैं, बाकी सब दिस इज द रीजन। नहीं तो उसमें उनको फ्लेवर दिलवा देते हैं ना, मतलब जो उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आखिर में वो हम इंडस्ट्री बेस करवा देते हैं। अच्छा, और व्हेन यू नो द प्रोजेक्ट्स कम टू एन एंड तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को उससे ज़्यादा सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता, इसलिए कि वो ऑलरेडी 6-8 महीने उनके साथ काम कर चुका होता है। तो उनकी एम्प्लॉयमेंट भी आसान हो जाती है इस तरीके से। राइट, चलें हम एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ एम्प्लॉयमेंट से गुरेज कर रहे हैं। सर परवेज साहब, अब जब बात हो रही है एक्सपोर्ट की तो मैं चाहती हूँ कि कुछ कमोडिटी प्राइस की बात कर ली जाए। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जब देखा जा रहा था, ओमिक्रॉन आ रहा था, एक वेरिएंट जो है जिसका तस्करा किया जा रहा था वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पे ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए थे, लेकिन आज के ही मार्केट में ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखा रहे हैं। तो क्या दोबारा पूरा ग्लोबल एक फिनोमेना जो कि एक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इन्फ्लेशन की तरफ, तो वो दोबारा क्या सर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये ओमिक्रॉन का अभी जैसे है ना, अभी वो थोड़ा सा उसको वो वीक हो गया है अभी फ़िलहाल, वो उस वाली पहले वाली बात नहीं थी जो पहले जो हमारे पहले कोविड का जो पहला फेज़ था और दूसरा फेज़ था, ये वाला फेज़ अभी आया है मगर अभी इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है कहते हैं। तो इसकी वजह से मार्केट नीचे आई थी ऑयल की, और एक कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे आई थी, और फिर इसके बाद मार्केट सेंटीमेंट्स फिर जाहिर बात है कि वो फेवरेबल हो गई तो स्ट्रांग होगी, तो जो भी होते हैं उन्होंने अपनी प्राइसेस को फिर से रीएडजस्ट कर दिया और रीअलाइनमेंट होती है। अच्छा, जब इस किस्म से आता है तो डिमांड एंड सप्लाई के अंदर एक वॉइड आ जाता है, गैप भी आ जाता है, जब वो वॉइड उसी गैप का फायदा उठाते हैं। तो बात दरअसल ये है कि जब इस किस्म की ट्रांजैक्शन होती है ना, तो ट्रांजैक्शन के भी आप अभी देख रहे थे ना वॉल्यूम्स आप दिखा रही थी स्टॉक के, इसी तरह से कमोडिटी के भी ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम्स होते हैं। तो एक दफ़ा जब मार्केट नीचे आती है ना, तो कोई भी जो बंदा है वो हायर वॉल्यूम पे जो है ना नीचे माल खरीद के रख लेता है। Right. फिर जब नया माल नई जब आती है और नया मार्केट खुलती है तो उसके अंदर देखते हैं कि भाई किस किसने क्या क्या उसको माल को खरीद लिया है, और फिर उसके बाद उनकी डिमांड कम हो जाती है और दूसरे लोग उसके पास आ जाते हैं जो वेटेंसी कर रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि यार आज हम लोग नहीं लेंगे, जैसे पाकिस्तान ने एक दफ़ा गैस नहीं लिया, ठीक है ना, LPG नहीं लिया, और इसके बाद पता चला कि भाई वो तो प्राइस बहुत ऊपर चलेगी, जब हमें 12-13 में मिल रहा था तो फिर तो बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगी। इसी तरह से कमोडिटी का भी यही है, तो एवरी कमोडिटी हैव देयर टाइम यू नो। तो मगर अल्टीमेटली देखें बात दरअसल ये कि मैं तो सोचता हूँ कि अगर जैसे ये मामला जो है ओमिक्रॉन के और इसके ये मामला अगर बिल्कुल सही हो जाते हैं और इतना ज़्यादा फैलता नहीं है तो इसके अब तो नहीं फैलेगा सर, अब तो वैक्सीन्स भी आ चुकी हैं। बिल्कुल, मैं आपको पॉज करूंगी, एक ब्रेक की जानिब जाना है मुझे, और पेट्रोल के हवाले से बताते चलूं, 26 डेज का पेट्रोल पाकिस्तान के पास मौजूद है, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतने ज्यादा डेज हमारे पास मौजूद है। ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। KASP K-Trade लाया, इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K-Trade ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस,
और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका कहीं भी कभी भी। KASB K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाज़रीन। पेट्रोल और कमोडिटी की बात हो रही थी ब्रेक से पहले, लेकिन अब चाहती हूँ मैं एक्सपेंसेस के हवाले से बात की जाए। बजट में जो एक्सपेंसेस रखे जाते हैं तो वो फिर बाद में कोई दूसरे एक्सपेंसेस जनरेट कैसे हो जाते हैं, तो आज हम बात करेंगे। परवेज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नवाज साहब भी मौजूद हैं। परवेज साहब, एक्सपेंसेस की बात हो रही है, मिनी बजट की भी बातें हो रही हैं, और जो एक्सपेंसेस हमने बजट में रखे थे उनसे ज़्यादा कुछ जो है एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, तो क्या रीज़न्स होते हैं जो हमारे पास चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं ओवर द ईयर? देखिए, बजट में जो आप एक्सपेंसेस जो आप बजट करते हैं वो सारी बात है कि उस वक्त के जो हालात होते हैं ना उसके हिसाब से जो बजट बनता है, और उसको थोड़ा बहुत आप उसमें फ्यूचर के लिए उसको आप अपने एक वो मार्जिन रखते हैं। राइट। अच्छा, अब जब आप देखें कि जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने बोला कि जब आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है ना तो उसका जो फर्क आता है ना उससे आपकी जो डेट सर्विसिंग है ना, जब आप पैसे भरते हैं तो वो भी आपको उसी में से ही निकालने हैं, तो एक तो वो आपका फर्क आ गया, सीधा सीधा फर्क आ गया। और फिर इसके बाद जो गवर्नमेंट के जो दूसरे खर्चे हैं जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है आपके, देखें इस दफा आपने कोविड पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडी, गवर्नमेंट ने दूसरी स्कीमें निकाली, गवर्नमेंट ने जो राशन का स्कीम निकाली, देखें कुछ खर्चे जो होते हैं ना जो पहले से उसमें बजट में मौजूद नहीं होते, जो आपको हालात को देखते हुए ना वो आपको खर्चे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। तो अब ये अगर खर्चे आ गए हैं तो गवर्नमेंट क्या करे, उसके लिए गवर्नमेंट ने, आप देखें IMF वालों ने कंडीशन रखी है कि भाई इतने टैक्सेस बढ़ाओ, ये करो वो करो, प्राइसेस बढ़ाओ, बिजली की प्राइस बढ़ाओ। अब बिजली की जब प्राइसेस बढ़ी हुई हैं तो बिजली की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं तो वो भी एक खर्चा है, आम आदमी के लिए भी खर्चा है, मेरे लिए भी खर्चा है और गवर्नमेंट के लिए भी खर्चा है। तो ये देखें ये सारी चीज़ें जो है ना जब आप बजट बनाते हैं तो एक आइडियल बजट की तरफ चलते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस क्या दिखाई देती है आज? 1,18,100 रुपीज गोल्ड पर 10 ग्राम, 1,01,250 रुपीज इंटरनेशनल गोल्ड एट बराबर 1,791.14 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 72.34 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 75.79 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 199 रुपीज, सेलिंग वाज 201 रुपीज, यूके पाउंड बाइंग रही 235 रुपीज, सेलिंग वाज 237.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 177.75, सेलिंग वाज 179.25, चाइनीज युआन बाइंग रही 23.75, सेलिंग वाज 23.90, सऊदी रियाल बाइंग रही 47 रुपीज, सेलिंग वाज 47.50, यूएई दिरहम बाइंग एट 48.40, सेलिंग वाज 48.90, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.80, सेलिंग वाज 484.30, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.75, सेलिंग वाज 394.78। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज के लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस हम देख रहे हैं थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड एक विटनेस किया जा रहा है, कल भी हमने देखा था और आज भी यही जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवाज साहब से पूछते हैं बात, सर कमोडिटी प्राइस की बात हो रही है और साथ साथ एक्सपेंसेस की भी बात हो रही थी, अब जबकि कमोडिटी प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ओवरऑल एक बजट है वो भी थोड़ा सा हमारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब जबकि रुपी भी डेप्रिशिएट हो रहा है तो यहाँ पे क्या रीजंस नजर आते हैं, तो आप समझते हैं कि यहाँ पे रुपी को रोका जाए और डेप्रिसिएशन को कंट्रोल किया जाए? देखिए, एक तो जो सर बात कर रहे थे ना बजट के हवाले से, तो देखिए बजट के मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल। तो वहाँ थोड़ा सा अगर नॉन डेवलप, जिसे स्विचेस की भी बात आई ना कि बिकॉज जब बजट बनता है तो उस वक्त के सिनेरियो से बनता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम सिनेरियो चेंज हो जाता है तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है उसके अंदर। सो इसी हिसाब से अगर नॉन डेवलपमेंटल बजट को थोड़ा कर्टेल करके और उसको डेवलपमेंट साइड पर थोड़ी स्विच किया जाए तो दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशंस। दूसरे जो है वो गारमेंट एक्सपेंडिचर्स के हवाले से, अगर गारमेंट एक्सपेंडिचर डेवलपमेंटल साइड पे बढ़ाती है तो डेफिनेटली वहाँ वैन्यूज क्रिएट होते हैं, राइट, और जॉब्स क्रिएट होती हैं, प्रोडक्शन होती है। तो एक्चुअल क्या है कि अगर हम प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करते हैं,
देखें ना, वो हम जब बात करते हैं ना जीडीपी ग्रोथ, तो दो तरह की होती है, एक होती है नॉमिनल और एक होती है रियल। नॉमिनल जो होती है वो प्राइस इंक्लूडेड होती है। अच्छा। और अगर हम उसमें से इन्फ्लेशन का फैक्टर हटा दें तो फिर रियल आता है। रियल बेसिकली कि प्रोडक्शन, मसलन हमने 100 यूनिट बनाए थे लास्ट ईयर, अगर इस साल हम 101 यूनिट बढ़ा देंगे तो मैं कहूँगा 1% क्वांटम पे इंक्रीज आया है। अदरवाइज अगर सेम रहेगा तो भी प्राइस की वजह से हमें कुछ ना कुछ ग्रोथ जरूर नजर आ रही होगी। राइट, तो इस साल आप क्या देख रहे हैं? ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है। राइट, इस साल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, कोविड की वजह से हाउएवर हमारी इंडस्ट्री सफर की है, लेकिन जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, मतलब उनको जो इंडस्ट्री को सपोर्ट हो रही है और डिफरेंट टर्म्स में उनको सपोर्ट दिया जा रहा है, तो व्हाट आई थिंक के मोस्ट प्रोबेबली वो कुछ ना कुछ अपना टारगेट ज़रूर अचीव करेंगे। राइट, बिकॉज प्रोडक्शन पे फोकस और जो इससे पहले जो बात हो रही थी ना, जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली, अगर थोड़ा सा उस तरफ भी जाया जाए तो फर्दर हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। देखिए, इमीडिएटली एक्सपोर्ट इंक्रीज करना कंपैरेटिवली मुश्किल है अगर हम कहें कि हम इम्पोर्ट्स को कर्टेल करें। राइट, तो इनिशियली जैसे इम्पोर्ट कर्टेल होगा, लोकल डिमांड भी बढ़ जाएगी। लग्जरी की इम्पोर्ट अगर हम कर्टेल कर देते हैं तो इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट हमारी पैरिटी रेशियो के ऊपर भी आएगा और उससे रुपया स्टेबल हो जाएगा। इसलिए कि हम देखें, डॉलर खरीद के फिर उसकी पेमेंट करते हैं। अच्छा, तो उस पे क्या होगा, फिर हमें डॉलर की डिमांड जो है वो कम करनी पड़ेगी। जब डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली डॉलर की प्राइस नीचे आ जाएगी और एसोसिएटेड जितनी भी करेंसीज हैं। सो दिस कुड बी अनदर सॉल्यूशन के इमीडिएट अगर कर्टेल किया जाए इम्पोर्ट्स को, जो कि लग्जरियस आइटम्स है। देखिए, एक तो नेसेसिटीज है ना, उसको तो यू नो वी कैन नॉट डिनाई। के हवाले से भी बात होती है, IMF का जिक्र किया था यहाँ पर वेस्ट आपने, IMF की जो कंडीशंस हैं उनकी वजह से भी हमें कुछ चीज़ें अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे पावर टैरिफ हाइक हो गया या फिर कुछ टैक्सेस जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ते हैं या सब्सिडीज हटानी पड़ती हैं। तो आप समझते हैं जो सब्सिडीज हटाई जा रही हैं, जो कि अभी मिनी बजट में होने वाले बजट में मुतवक्के भी कि कुछ एग्जेम्पशंस जो दी हुई हैं वो हटा दी जाएंगी, ना कोई न्यू टैक्सेस तो नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर यही कहा जा रहा है कि एग्जेम्पशंस हटा दी जाएंगी। तो अब तो हमें खुद मुख्तार होना ही पड़ेगा ना, अब तो एग्जेम्पशंस के बगैर ही हमें चलना पड़ेगा आगे। देखिए, IMF का जो कंट्रीब्यूशन है ना हमारी डेट्स में ऑलमोस्ट 5% है, 7 बिलियन टोटल क्वांटम है जो IMF दे रहा है हमें, और उसके अगेंस्ट पता नहीं क्या कुछ जो है वो हमसे मनवा रहा है, तो इट इज जस्ट 5% ऑफ द टोटल डेट्स। तो ठीक है, अगर मतलब आप जा ही रहे हैं उस तरफ, तो जब आप तो उनके डेफिनेटली फिर आपको मानना पड़ेगी बातें। मतलब इनिशियली तो ये है कि जो एक हाई उस पे है कि भाई ना जाया जाए, बिकॉज क्वांटम उसका बहुत कम है। वो तो नीड हो ही जाती है। चलें परवेज साहब से बात करते हैं। परवेज साहब, हर बार ही नीड तो हो ही जाती है, IMF के पास ना जाना मतलब ये तो हमारी नीड ऑफ द आवर है और हमें जाना ही था। तो अब जाहिर सी बात है, जब आप किसी के प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको उसकी डिमांड्स भी फुलफिल करना पड़ती हैं। इट इज़ वन ऑफ दोज के अभी टैक्स जो एक कलेक्शन है वो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईयरली टारगेट्स अगर हम देखते हैं तो वहाँ भी 5.8% एक टारगेट अच्छे अचीव करते हुए FBR की कलेक्शन दिखाई देती है। अब जबकि मजीद हमें फाइलर्स की ज़रूरत है, मजीद हमें डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की ज़रूरत है, तो आप समझते हैं कि जो FBR के टारगेट्स दिए जा रहे हैं तो क्या वो डबल हो जाएंगे? देखें, इस दफ़ा भी जो FBR ने कलेक्शन की है ना, वो भी रिकॉर्ड कलेक्शन की। बिल्कुल, ऑलरेडी दे आर बेसिकली चेजिंग देयर टारगेट्स जो उन्होंने सेट करके रखे हुए थे, ठीक है ना? और दूसरे ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अभी आप देखें कि भाई उन्होंने काफ़ी जो है ना नादरा से हेल्प लेके ना, तो उन्होंने नए जो है ना जो टैक्स पेयर हैं उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है, और मे बी इन नेक्स्ट ईयर या मे बी विद इन फ्यू मंथ्स यू विल सी के भाई वो लोग जो है ना नए टैक्स पेयर आइडेंटिफाई होंगे और उनका रेवेन्यू मज़ीद आगे बढ़ेगा। मगर मैं फिर बात करूंगा कि आप जो कहते हैं ना कि इम्पोर्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दें या उसको कट कर दें, देखें इम्पोर्ट से भी आपको एक रेवेन्यू आता है, लग्जरी आइटम आती हैं या रेगुलेटरी ड्यूटीज बढ़ती हैं उसके ऊपर, हाँ, तो आपको उससे भी तो रेवेन्यू आता है ना। अगर आपने सारी इम्पोर्ट, अगर हमारा आज इम्पोर्ट अगर 70 बिलियन डॉलर का है तो आप देखेंगे उसके ऊपर हमें रेवेन्यू कितना आ रहा है। अगर आज हमने 70 बिलियन डॉलर का अगर
नाजीन अहम खबर से आपको आगाह करें, भारतीय रियासत तमिलनाडु में भारतीय फजाइया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और हादसे में 13 अफराद हलाक हुए हैं। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत और उनके अहले खाना भी मौजूद थे। और आपको बताते चलें कि भारतीय मीडिया ने इस खबर की तस्दीक कर दी है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अहलिया समेत फजाई हादसे में हलाक हो गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, भारतीय रियासत तमिलनाडु में भारतीय फजाइया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है और इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत और उनकी अहलिया भी हलाक हो गए हैं। अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं, भारतीय रियासत तमिलनाडु में ये वाकया पेश आया है, भारतीय फजाइया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और इस हादसे में 13 अफराद हलाक हुए हैं। भारतीय मीडिया ने तस्दीक की है कि हेलीकॉप्टर में मौजूद चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत और उनकी अहलिया भी हलाक हो गए हैं। भारतीय रियासत तमिलनाडु में पेश आने वाला आज का ये अफसोसनाक वाकया, भारतीय फजाइया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और इस हादसे में 13 अफराद हलाक हुए हैं। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत और उनकी अहलिया भी मौजूद थीं और भारतीय मीडिया की जानिब से इस खबर की तस्दीक की गई है कि हेलीकॉप्टर में मौजूद चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत और उनकी अहलिया हादसे में हलाक हो गए हैं। भारतीय रियासत तमिलनाडु में भारतीय फजाइया का हेलीकॉप्टर आज गिरकर तबाह हो गया, अफसोसनाक हादसा पेश आया और इस हादसे में 13 अफराद हलाक हुए हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से तस्दीक की गई है, हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत भी मौजूद थे और वो भी हलाक हुए हैं। हमारे नुमाइंदे आसिम रिजवान इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आसिम रिजवान बताइएगा, भारतीय रियासत तमिलनाडु में आज एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है और चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत के और उनकी अहलिया के हलाक होने की भी खबरें हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अपनी अहलिया के हमरा एक फौजी हेलीकॉप्टर जो है MH-17V5 उसमें सवार थे और वो तमिलनाडु के इलाके में जो है वो महवे प्रवास था। जनरल बिपिन रावत ने किसी मेडिकल कॉलेज की तकरीब में जो है वो शिरकत करना थी और तमिलनाडु के इलाके में हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया और अब से कुछ देर पहले भारतीय फजाइया जो है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि 14 अफराद जो तैयारी में सवार थे उनमें से 13 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए हैं और जहां बहक होने वालों में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जो है वो भी शामिल हैं। इनके अलावा उनकी जो अहलिया हैं वो भी इस हादसे में जहां बहक हुई हैं। ये हादसा जो है ये आज तमिलनाडु के इलाके में पेश आया जब भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 13 दूसरे लोगों के साथ कुल 14 अफराद जो है वो भारतीय फजाइया का हेलीकॉप्टर है MH-17V5 उसमें सवार थे और जनरल बिपिन रावत ने मेडिकल कॉलेज की तकरीब में जाना था, उनकी अहलिया भी उनके हमरा थी। तमिलनाडु के इलाके में जो है हेलीकॉप्टर उसको हादसा पेश आया और अब से कुछ देर पहले भारतीय फजाइया ने 13 अफराद के जहाँ बाक होने की तस्दीक की है और भारतीय फजाइया ने इस बात की भी तस्दीक की है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया जो है वो इस हादसे में जहाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा भारतीय फजाइया का ये भी कहना है कि उन्होंने हादसे की वजूहत जो है उसको जानने के लिए इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी है और ताकि हादसे की जो वजूहत है उनका तयन किया जा सके। बहुत शुक्रिया आसिम रिजवान, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक हादसा पेश आया भारतीय रियासत तमिलनाडु में और इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत और उनकी अहलिया हलाक हो गए हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से खबर की तस्दीक कर दी गई है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। KASBK ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका कहीं भी कभी भी। KASB के ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
ना बैंकों में रख के और प्लॉटों में रख के उसके उसके बजाय वो उस पर इंडस्ट्री में लगाएं, और इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करें जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट हो। आपकी जो भी इम्पोर्ट चीज़ें हो रही हैं उनको बोलो यार ये बनाओ, आपको हम इतनी फैसिलिटी देंगे। तो क्यों नहीं हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी? कोई नहीं ऐसा बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा, या मैं भी इंडस्ट्री चलाता हूँ, मैं नहीं चाहूँगा गवर्नमेंट मुझे ये फैसिलिटी दे और मैं उसमें ये चीज ना बनाऊं और मुझे ये फायदे ना मिले और मेरा प्रॉफिट ना बढ़े और मेरी एम्पायर बड़ी ना हो। तो हर कोई आदमी ये चाहता है। और दूसरे जब ये देखेंगे कि पाकिस्तान में इतनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है तो दूसरे इन्वेस्टर ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट हो जाएगी सर, प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स खरीद लेंगे, रेडीमेड कंपनी खरीद लेंगे, इंडस्ट्री खरीद लेंगे जो हमने लगाई। बिल्कुल बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स हैं और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी उस पैसों पे बात की जाए जो डंप हुए हुए हैं या वो चीज़ें जो कि अभी तक इस्तेमाल में नहीं है। जैसे कि इन्होंने जिक्र किया परवेज साहब ने कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंडस्ट्रीज़ को फ्लरिश किया जा सकता है, फर्दर मोर ऐसे इंसेंटिव दिए जाएं जो घर के लोग हैं यानी कि जो लोकल हमारे पास मौजूद है, ना कि बाहर वालों के लिए। पहले सबसे पहले घर वालों के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इसके साथ साथ सर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास एक मोटिवेशन की भी ज़रूरत है, एक अवेयरनेस, एक एजुकेट करने की भी ज़रूरत है कि आप घर में नहीं बैठेंगे, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप कोई ना कोई जो है वो काम कर सकते हैं। चले जी अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच तवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, नरेश साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आज के दिन हमने ओवरऑल डिस्कशन की बिजनेसेस के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।